घूमते घूमते यहाँ पे भूख काफ़ी लग गई थी। चाय वगैरह पी है, पकोड़े खाए हैं, चिप्स भी खाई है, और 1 घंटा रेस्ट की है। करने के बाद अब हम वापस जाने लगे हैं, ठीक है? तो 1.5 घंटा में वापस लग जाएगा। ये शहजाद भाई मेरे साथ आ रहे हैं, ठीक है, वापस शरान फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे जा रहे हैं। अभी हम शरान फॉरेस्ट वापस जा रहे हैं और 15 मिनट लगेंगे, हम शरान पहुँच जाएंगे। बाकी सारा हमने सफ़र कर लिया मंची टॉप से नीचे तक आने का। अल्हम्दुलिल्लाह हम मंची टॉप से शरान फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं और सही सलामत पहुंच गए हैं। रास्ते में काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन अगर आपके पास हाइकिंग स्टिक है तो वो ले लें, उससे आप आसानी से चले भी जाएंगे और आ भी जाएंगे। तो अभी मैं शरान खड़ा हुआ हूँ, ये देखें। तो यहाँ से हम जाएंगे नरान और बाबूसर टॉप। अभी हम शरान फॉरेस्ट से निकलने लगे हैं। ये सामने आपको जीप्स वगैरह खड़ी नज़र आ रही होंगी, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आके यहाँ पे मंची टॉप पर जाते हैं। सही है, तो ये वाला रास्ता दोस्तों, अभी हम नरान की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में रुके हुए हैं और शाम हो गई है, 7 बजे का टाइम है। मैं आपको दरिया दिखाता हूँ, दरिया एक नहर जो साथ साथ चल रहा है नरान तक। ये देखें, ये दरिया अभी साथ साथ चल रहा है, दरिया एक नहर। पानी का बहुत ज़्यादा शोर है और ये देखें पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों, अभी हम नरान पहुंच चुके हैं, 9 बजे का टाइम है। रास्ता काफ़ी ख़राब था जिसकी वजह से 1 घंटा लगा, 20 किलोमीटर है नरान से ही। तो अभी मैं नरान का बाज़ार आपको दिखाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। हर तरह की आपको यहां से चीज़ मिलेगी, ओल्ड टाइप की सही है, लकड़ी के बर्तन मिलेंगे, ठीक है, और ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे आपको मिलेगा, सही है। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे महंगी नहीं है, ठीक है, और बहुत तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग करते हैं अपने लिए, ठीक है, यूनिक चीज़ें हैं। ठीक, आपने अगर ज्वेलरी लेनी है ज्वेलरी मिल जाएगी, हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ से।